आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा सबसे पहला YouTube जो वीडियोस है उसका एड कैंपेन मैंने रन कराया था गूगल से। तो गूगल के एड्स जो होता है ads.google.com वहाँ से मैंने रन कराया था और ये था वीडियो डिस्कवरी एड। और जितना भी मुझे एनालिटिक्स मिला, कितना मैंने स्पेंड किया, कितना मुझे व्यूज़ मिले, तो जो एनालिटिक्स है मैं एड्स में भी आपको दिखाऊंगा और साथ में यूट्यूब का जो मेरा क्रिएटर स्टूडियो है उस पर भी दिखाऊंगा कितना मुझे एंगेजमेंट मिला। तो सारा चीज़ इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले मैं कैमरे को फ्लिप करता हूँ और मेरे लैपटॉप में आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना मेरा स्पेंडिंग है और कितना मेरा व्यूज़ गेन्ड है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लिप कर दिया कैमरे को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है गूगल एड्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये है पूरा एड कैंपेन और मैंने इसको करके रखा है फुल टाइम पे। मतलब ये आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे 22 से 25 का करके रखा है मैंने। तो मतलब क्या है, मेरा वैसे भी एड रन कराया था एक दिन का, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक दिन में मुझे कितना व्यूज़ मिला और कितना पैसा मैंने स्पेंड किया। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पॉज्ड है, मतलब अभी एड नहीं चल रहा। और यहाँ पे देख सकते हो आप मैक्सिमम CP भी लिखा है, इसका मतलब ये है मुझे पे करना पड़ा तभी जब किसी ने मेरा वीडियोज़ देखा। अगर मेरा वीडियो कोई नहीं देखा तो उस टाइम पे मुझे पे नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा व्यूज़ आया कंप्लीट 1259। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इम्प्रेशन दिया YouTube ने वो दिया कम्प्लीटली 30,000। तो 30,000 लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँचा और उनमें से कितना 4.2% लोगों ने वीडियो को वॉच किया। तो मतलब कम्प्लीट बनता कितना है ये वाला 1259। तो यहाँ पे मुझे जो स्पेंडिंग करना पड़ा हर एक व्यू के लिए, मुझे स्पेंड करना पड़ा 0.17 पैसा, मतलब रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 पैसा मुझे स्पेंड करना पड़ा। असल में ये चीज़ उतना ज़्यादा भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है। मैंने शुरुआत किया था 0.1 से, मतलब मैंने YouTube को बताया था, Google Ads को बताया था कि इतना मैं स्पेंड करूँगा एक व्यू का, लेकिन मेरा एड रन नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो इसी कारण से मैंने इसको 0.2 कर दिया था, जिसके कारण से ये 0.17 स्पेंड किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल मेरा स्पेंडिंग है 209 रुपीज़, और साथ में थोड़ा टैक्सेशन था तो टोटल मिला के 250 तक मुझे पड़ गया। तो 250 रुपये देखे मुझे कितना व्यूज़ मिले, बस 1200। वैसे ये जो व्यूज़ है सब कुछ डिपेंड करता है आपके एड के ऊपर और आप जो ऑडियंस जो सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर। मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस को मिनिमाइज़ नहीं किया था, मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं किया था, ऊपर ऊपर से मैंने चूज़ किया था, जैसे कम्प्लीटली इंडिया चूज़ कर दिया था, हिंदी कॉन्टेंट हिंदी के लोग को सिलेक्ट कर दिया था, ऐसे किया था। तो ये है एक फिगर जो आप देख सकते हो। तो अभी मैं चलता हूँ वीडियो पर और आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ। तो ये मैं गया मेरे क्रिएटर स्टूडियो पे और ये आप देख सकते हो, मैं फोकस करके दिखाता हूँ, ये था वो वीडियो। इसमें क्या है, DPF फिल्टर, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, और यहाँ पे ये जो एनालिटिक्स है इसमें आप देख सकते हो ये है कौन सा व्यूज़ वाला ग्राफ। तो व्यूज़ वाले ग्राफ में बिल्कुल एंड में आप देख सकते हो ये जो हाइक दिख रहा है यहाँ पे ना, यही है वो एड्स वाला है। देखिए पहले 1300 व्यूज़ था और सीधा ये चला गया 2500 के करीब। तो ये था मेरा एड्स का कमाल और ये एक ही दिन चलाया था मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच टाइम में भी फ़र्क पड़ा होगा, हाँ वॉच टाइम में भी यहाँ पे हाइक मिला है अच्छा खासा, करीब डबल ही हो गया करीब। उसके बाद सब्सक्राइबर में अगर देखें हम लोग तो सब्सक्राइबर में ज़्यादा हाइक नहीं मिला, पहले 64 था, उसके बाद कितना हुआ 75, मतलब 10 या 11 सब्सक्राइबर बस गेन हुए। तो ये तो स्पेंडिंग मैंने पॉज करके रख दिया था उस टाइम पे कि मुझे पता नहीं है कि यूज़ कर सकती है नहीं, मतलब वीडियो जब आप ऐड चलाते हैं उस टाइम पे हम लोग एडसेंस का ऐड भी चला सकते हैं या नहीं, इसी कारण से कोई दिक्कत ना हो। और वैसे भी व्यूज़ मेरा कम आता है तो इससे क्या होगा, जो CTR है, CTR ही कहते हैं शायद उसको, CTR ज़्यादा हो जाएगा, उससे क्या होगा मेरा एडसेंस ब्लॉक हो सकता है, इसी कारण से मैंने इसको बंद कर दिया था एड्स को उस टाइम पे। तो अभी मैं फ़्लिप करता हूँ और आपको बताता हूँ दूसरा चीज़ है। तो आपने देखा होगा कि मेरा जो स्पेंडिंग है उसके हिसाब से कितना मुझे व्यूज़ मिला। तो आप बताना कि आपको कैसा मिलता है व्यूज़ के हिसाब से। तो अभी का जो टाइम है ये है 2020 और अभी चल रहा है, आज शायद डेट है 25 जुलाई। तो आज के डेट में मेरे इतना ऐसे वीडियोस में इतना ज़्यादा एंगेजमेंट और इतना पैसा मुझे देना पड़ रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर कनेक्टेड रहिए मेरे साथ ऐसे ही वीडियो और भी आगे देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल में मैं शेयर करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ, अपने जितने भी चैनल्स के चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम लोग करते हैं, सोशल मीडिया हो या फिर यूट्यूब हो, सब कुछ के रिलेटेड वीडियो मैं शेयर करता हूँ। और ये जो चैनल है जिसमें ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये मेरा ओरिजिनल चैनल नहीं है, मेरा ओरिजिनल चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को भी ख़त्म करता हूँ।